गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक ब्लैंक टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। 6 क्वेश्चन थे ब्लैंक टेबल के, वो सारे कर लिए थे। अब रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस है जिसमें हमें टेबल भी बनाना है और उसको फिल भी करना है। तो अब हम लोग उन क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अपने को डिजिट फिल भी करने पड़ेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रीड करना ध्यान से, इंग्लिश दोनों पर है। एक सैंपल सर्वे किया गया 100 सिटीजन्स का और ये हमें पता चला कि 60 ऐसे पर्सन से बेटा जो कि चाय और सिगरेट पीते हैं, मतलब वो स्मोकर भी हैं और टी ड्रिंकर भी हैं। 60 जने ऐसे जो चाय और सिगरेट दोनों पीते हैं। 10 जने ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही सिगरेट पीते हैं, ना चाय पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं। 65 बंदे ऐसे हैं जो कि स्मोकर हैं। टोटल मिलाकर सिगरेट पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले 65 बंदे हैं। 15% ऐसे हैं बेटा जो नॉन टी ड्रिंकर हैं, मतलब जो चाय नहीं पीते। ये आपका क्वेश्चन, इसको 10 बार भी पढ़ोगे तो ठीक है, ये एक एक लाइनें दे रखी हैं, हमें ये पता चल रहा है। लेकिन अल्टीमेट आपको ये पता चल रहा है कि एक बंदा या तो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, या फिर वो बंदा टी ड्रिंकर है या नॉन टी ड्रिंकर है। ये चार सिचुएशन है हमारे पास। क्वेश्चन में अल्टीमेट यही है, या तो चाय पीते हैं नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं नहीं पीते, बस इनको एक टेबल में दिखाना है। तो फिर हम क्या करें, दो दो हो गए ना, स्मोकर नॉन स्मोकर, टी ड्रिंकर नॉन टी ड्रिंकर। तो इनको दो को किसी को भी रो में ले लो, दो को कॉलम में ले लो और टोटल टोटल दिखा दो, क्योंकि 100 बंदों की इंफॉर्मेशन है। टेबल नंबर showing smoking and tea drinking habit, tea drinking habit, of 100 person. सौ बंदों की स्मोकिंग एंड ट्री ड्रिंकिंग हैबिट को शो कर रहा है। देखो फॉर्मेट कैसे क्या बनेगा बेटा, ना मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि बुक अब आप बाई कर लें, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, फुल यूटिलाइज करें टाइम को। अगेन कोई नेसेसरी नहीं है कि अगस्त में खुलें या सितंबर में खुलें, तब तक जितना टाइम आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है ना बेटा, उसको यूटिलाइज कर लो। फ्री बैठे हैं पूरे दिन, थोड़ा सा सीन से रहे कि नहीं यार अपना कोर्स है हम लोग पढ़ लेते, ताकि अपने को आगे बेनिफिशियल मिलेगा, बेनिफिट रहेगा। तो 3 बेटा स्मोकर नॉन स्मोकर टोटल ले लो, और यहां भी 2 टी ड्रिंकर नॉन टी ड्रिंकर, और 1 आप टोटल दिखा देंगे इधर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड की टोटल हमारे लिए आ जाएगी। तो अब क्या होगा ना बेटा, पहले तो हम फॉर्मेट डिसाइड करेंगे कि हमारा फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। फिर डिजिट एप्रोप्रिएट कहां किसको फिल करना है, स्मोकिंग हैबिट को यहां दिखा दें हम लोग, स्मोकर नॉन स्मोकर, टी ड्रिंकर नॉन टी ड्रिंकर, टोटल। यह आपकी एक टेबल बन गई, ठीक है, ये एप्रोप्रिएट हमारे लिए टेबल बन गई। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 सेल बचे ना, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल है, इनमें अप्रोप्रिएट जगह चीजों को फिल करना है। जो सबसे पहले कह रहा है, 100 बंदों का हमने सैंपल सर्वे किया, उसमें से 60 जने चाय और सिगरेट पीने वाले थे। टोटल कितने जनों का सर्वे किया बेटा अपने, 100 जनों का। तो ये टोटल की टोटल बेटा, टोटल मिलाकर 100 जने थे। सीखना देखो सर कहां फिल करना है, उनमें से 60 जने
चाय भी पीते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। तो देखो चाय भी पीते हैं सिगरेट भी पीते हैं, ऐसे ऐसे 60 जने ये चाय और सिगरेट दोनों पीने वाले हो गए। अब ये ना बेटा ऐसे कोई नियम नहीं है कि सर जो सिखा दे इसको यहां भरते हैं, पढ़ो समझो फिर भरना है, ठीक है। 10 जने ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं, ना चाय पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, ना चाय पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, ऐसे 10 जने, ये 10 जने हमारे लिए यहां आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया होगा कैसे भरा है सर ने। 15 जने टोटल ऐसे हैं जो कि स्मोकर्स, 65 ऐसे हैं टोटल, 65 टोटल मिलाकर स्मोकर है। टोटल बेटा स्मोकर दे रखे हैं 65, स्मोकर की टोटल है बेटा 65, टोटल स्मोकर 65 है, स्मोकर टोटल 65 है। फिर कह रहा है 15% बेटा नॉन टी ड्रिंकर है, टोटल मिलाकर चाय नहीं पीने वाले 15% है, नॉन टी ड्रिंकर टोटल 15% है, बस खत्म। रिमेनिंग जो है ना बेटा वो आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर से फिल करना होगा, डिफरेंस निकाल कर भरना होगा। तो बाकी का अपने को डिफरेंस निकालना पड़ेगा और उनसे भरेंगे, देखो कैसे आएगा समझना। टोटल 100 जने हैं, 100 में से 65 बेटा हमारे लिए स्मोकर हो गए, तो नॉन स्मोकर हमारे लिए 35 हो गए। ये डिफरेंस निकाल लो ना 100 और 65 का। टोटल सिगरेट पीने वाले 65 है, उसमें से 60 वो हैं जो चाय पीते हैं, 5 जने हो गए ना जो चाय नहीं पीते हैं, देखो 5 और 10 की टोटल 15 हो गई। 35 टोटल नॉन स्मोकर, उसमें से 10 यहाँ आ रहे हैं बेटा, तो ये हमारे लिए 35 - 10 कर 25 हो जाएंगे। तो ये ऐड कर लो 60 + 25 बेटा 85, ये 85 और 15 ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। ये वे है, ये सीखना पड़ेगा ना बेटा, ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा कि डिफरेंस निकाल कर टोटल मिल जानी चाहिए, नहीं मिल रही तो डिफरेंस निकाल कर हम लोग इसको फिल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट कर पाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से रीड करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं बेटा, 7 था ये ना आपका, 6 तक तो पहले हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने करा था, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2012 ईयर है, उसमें कह रखा है टोटल मिलाकर 4000 वर्कर है, ध्यान से सुनना। उसमें से 3300 बेटा 3300 बेटा हमारे लिए एक ट्रेड यूनियन के मेंबर है, ट्रेड यूनियन होता ना इनका, लेबर्स के भी यूनियन होते हैं। तो 4000 हमारी फैक्ट्री में वर्कर थे, उसमें से 3300 बेटा यूनियन मेंबर थे। फीमेल वर्कर्स बेटा, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, वुमेन वर्कर 500 थी, उनमें से 400 किसी भी यूनियन मेंबर्स से बिलोंग नहीं करती। यहां से यहां तक मेरे लिए 2012 की इंफॉर्मेशन है, ये डेडलाइन है 2012 की। 4000 वर्कर थे, 3300 बेटा यूनियन मेंबर थे, 500 फीमेल थी, तो किसी भी मेंबर्स यूनियन की मेंबर नहीं थी, वो 400 थे। फिर सेम इंफॉर्मेशन इसी तरीके से 2011 के लिए है, यहां से कि संघ के कर्मचारियों, बोले तो बेटा यूनियन वर्कर्स हमारे लिए 3450 है, उनमें से 3200 मेल है, जो किसी भी यूनियन मेंबर के मेंबर नहीं है वो 760 थे, उनमें से 330 बेटा हमारे लिए फीमेल है। कुल मिला के ये टेबल है आपकी, यहां से आपको ना कुछ बातें जो पता चल रही होगी सर, एक 2011 एंड 2012 की इंफॉर्मेशन है, दो ईयर की, ठीक है। फिर ये पता चल रहा है कि वो या तो हमारे लिए यूनियन मेंबर है, या तो वो यूनियन मेंबर्स हैं, या वो किसी यूनियन से, संघ से, ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, नॉन यूनियन मेंबर। फिर वो या तो मेल है या फीमेल है, ये तीन चीजें हैं। हमें टेबल में ईयर दिखाने, यूनियन मेंबर, नॉन यूनियन मेंबर दिखाने और मेल फीमेल दिखाने, ये टॉपिक हम लोगों को शो करना है। क्या करना चाहिए हम लोगों ने, क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बेटा ना तीन चीजें तो सर, एक तो रो में आएगा, एक कॉलम में आएगा, एक सब कॉलम में आएगा, सब दो 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 ही है, किसी को भी कहीं लो चलेगा, थोड़ा अप्रोप्रिएट नजर आए तो हम क्या करेंगे ईयर को ऊपर ले लेते हैं,
ठीक है, उसके दो पार्ट कर देंगे मेल फीमेल, साइड में यूनियन मेंबर और नॉन यूनियन मेंबर ले लेंगे, ये हम लोग फॉर्मेट टेबल का बना रहे हैं। सीखो चलो। टेबल नंबर, शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, इन ईयर 2011 एंड 12, अकॉर्डिंग टू दो बातों के हिसाब से, सेक्स मेल फीमेल एंड यूनियन मेंबरशिप। ये आ जाएगा, ये इस पे ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं, आप कुछ दे रखना चाहिए उनको, एक थोड़ा सा एक सेंटेंस बनाकर आपको दिखाना है। तो शो कर रहे बेटा इसमें नंबर ऑफ वर्कर एक फैक्ट्री के 11-12 के ईयर्स के वो बेसिस पर, एक सेक्स के बेसिस पर, एक यूनियन मेंबरशिप के बेसिस पर। चलो तो टेबल बनाते हैं। दो लाइन पढ़ ले रहा हूं, इधर हम मेंबरशिप को दिखा देंगे, यूनियन मेंबर, नॉन यूनियन मेंबर और फिर टोटल। फिर हम क्या करेंगे ना, ईयर ले लेंगे 2011, 2013 हो जाएगा, उसमें तीन तीन पार्ट कर दे, मेल फीमेल टोटल, और यहां भी 2012 में भी मेल फीमेल टोटल। ये आपकी फॉर्मेट कंप्लीट कर दे। तो पहले तो ना, बनाने से पहले थोड़ा सा स्केच माइंड में आ जाना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। बस ये सही बन गया ना, तो बेटा भरने में आराम रहता है, इजीली आप लोग फिल कर पाते। तो यहां दिखा दे मेंबरशिप, यूनियन मेंबर, नॉन यूनियन मेंबर, टोटल। यहां लिखा दें ईयर 2011, 2012, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। ये आपका हो गया। अब ये ध्यान रखना, जो शुरू की डेड लाइन है 2012 की है ना बेटा, वो सारी हमारे लिए इस जगह पर भरनी आएंगी, वो सारे डेटा यहाँ भरने में आएंगे 2012 की लाइन के। 2011 के नेक्स्ट जो डेड लाइन के डेटा है वो सारे हमारे लिए यहाँ फिल करने आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 12 वाले सारे उस वाले हिस्से में और 11 वाले सारे इस हिस्से में। देखो अब बहुत अच्छे से रीड करते हैं। 2012 में टोटल 4000 वर्कर थे, उसमें से 3300 किसी यूनियन के मेंबर, 3300 यूनियन मेंबर है। तो देखो 2012 में, तो बेटा इस हिस्से में रीड करूंगा, 2012 में टोटल मेरे लिए 4000 वर्कर है, तो टोटल मेरे लिए 4000 वर्कर है। एक लाइन और मैं यहाँ खींच देता हूँ, थोड़ा सही नजर आएगा। और उन 4000 में से
4000 वर्कर हैं, 3300 बेटा यूनियन मेंबर है, तो ये यूनियन मेंबर की टोटल 3300। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फीमेल वर्कर 500 है बेटा, उसमें से 400 किसी भी यूनियन की मेंबर नहीं है, फीमेल वर्कर 500 है, फीमेल की टोटल, ये फीमेल ना बेटा इसकी टोटल, फीमेल टोटल 500 है, उसमें से 400 बेटा किसी भी यूनियन की मेंबर नहीं है, तो नॉन यूनियन मेंबर के सामने आ गया। यही कह रखा है, देखो फीमेल वर्कर बेटा हमारे लिए 500 है, 400 किसी से भी बिलोंग नहीं करती। बस 2012 तो खत्म भी हो गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर से फिल कर लो, यहाँ 4000 टोटल आ रही है, 3300 यहाँ है तो यहाँ 700, 500 यहाँ है, 400 यहाँ है तो यहाँ 100 होंगे, तो 100 प्लस 400 होकर 500 होंगे। ये भी निकाल सकते ना, 3300 में से फीमेल बेटा 100 है, मेल 3200 रहे होंगे, 700 में से 400 यहाँ है तो ये 300 रहे होंगे, ये बेटा मेरे लिए 3500 आ जाएगा। ये आपका 2012 का स्केच पूरा हो गया, टेबल फुल पूरा कंप्लीट। अब हम करेंगे 2011, 2011 संघ के श्रमिकों की संख्या 3450 है। ये कह रहा है यूनियन वर्कर्स बेटा 3450 है, उसमें से 3200 मेन है, यूनियन वर्कर 3450 ध्यान देना, यूनियन वर्कर, यूनियन मेंबर 3450 है, यूनियन वर्कर की टोटल ये 3450, यूनियन मेंबर की टोटल 11 में 3450 है, और इनमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3200 मेल है, इनमें से 3200 मेल है बेटा, इन 3450 में से। फिर जो किसी भी मेंबर्स यूनियन से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे 760 है, उनमें 330 वुमेन है, तो नॉन यूनियन मेंबर बेटा 760 है, क्वेश्चन कह रहा है 760 है नॉन यूनियन मेंबर, और इनमें से बेटा हमारे लिए 330 फीमेल, फीमेल हमारे लिए 330 इन 760 में से। बस अब तो आप बैलेंसिंग फिगर और टोटल वगैरह ले लें, तो ये तो अब टोटल लग जाएगी ना, मैं इन दोनों को तो ऐड कर दो, 0 4210, ये 3450, ये 3200, तो ये 250, ये 760, ये 330, तो ये निकाल सकते हैं, 430 आ जाएगा बैलेंस निकालोगे तो, हम ये हो जाएंगे 3630। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बी फिनिश होता है। आई थिंक समझ में आया होगा सर ने किस तरीके से करा है। तो आज हमने दो क्वेश्चन किए, एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 टेबल फिल करने का, और एक हमने क्वेश्चन नंबर बेटा ये 12 कंप्लीट करा है, तो इन दोनों को कंप्लीट कर लें, कल रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कर चैप्टर को फिनिश करें। नोटबुक प्रॉपर लेते चलें बेटा और प्रॉपर नोट करते चलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है पूरे वीडियो एक साथ 20-25 मिनट का जो भी बना कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया 45 मिनट्स का बनाया हम लोग, फिर बोर्ड पर आपको टाइम देते नोट करने का, तो कवर हो रहा है, तो ये उतना ही सारा टाइम चलता है, तो आप उसके बाद नोट करते चलें प्रॉपर, इतना सा हाफ एन आवर खुद के लिए निकाल लोगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे हम लोग। ओके बेटा, थैंक यू।